सरकार ने अनलॉक 2 का भी प्लान बना लिया है। बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी जैसे सार्वजनिक परिवहन के फिर से शुरू होने की उम्मीद है। दुनिया में कोरोना का प्रकोप जारी है। भारत में भी कुल संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार हो चुकी है। देश में महाराष्ट्र ज्यादा प्रकोप झेल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का एक दिन में रिकॉर्ड 5,318 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,59,133 हो गई है। वही उद्धव ठाकरे सरकार धीरे धीरे कोरोना वायरस से महाराष्ट्र को बाहर निकालने की तैयारी में है। उद्धव सरकार 30 जून के बाद भी लॉकडाउन जारी करने पर विचार कर रही है, लेकिन इस बीच उद्धव सरकार ने अनलॉक 2 का भी प्लान बना लिया है। महाराष्ट्र में भले ही कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है, लेकिन अब ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में फिर से सब कुछ पहले जैसा करने में जुट गई है ताकि अनलॉक 2 सफल हो सके। कई सावधानियों के साथ अनलॉक 2 को अमल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि अनलॉक 2 में महाराष्ट्र में किन चीज़ों पर रियायत दी जाएंगी। अनलॉक 2 में महाराष्ट्र में 1 जुलाई से बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी जैसे सार्वजनिक परिवहन के फिर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा वो इलाके जो रेड जोन में नहीं आते, उन इलाकों में 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अनलॉक 2 में स्कूल खोलने पर विचार किया जा सकता है। वहीं 11वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया 10वीं के रिजल्ट के बाद शुरू की जा सकती है। हालांकि अनलॉक 2 में और भी चीज़ों पर रियायत दी गई है, लेकिन अनलॉक में देखा गया है कि सरकार की तरफ से दी गई दिशा निर्देश का लोग पालन नहीं करते, इसलिए कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उद्धव सरकार ठोस फैसला लेंगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।